महमूद आलम जामोट साहिली पट्टी के हीरो। इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन ये बाकी एमपीएस की तरह बिल्कुल नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस हलफ उठाने के बाद वजारतों के मुंतजर थे, तब महमूद आलम जामोट अपने हलके में गुज़िश्ता दौर में रह जाने वाले काम दोबारा शुरू करवाने के लिए एक्शन में नज़र आए। महमूद आलम जामोट ने दोबारा रुकने सिंध असेंबली बनते ही तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। PS 87 मलीर का सबसे बड़ा और अहम मसला पानी का है, क्योंकि यहाँ मकीनों को पीने के लिए पानी मिलना चैलेंज बन चुका था। महमूद आलम जामोट ने फौरन मुख्तलिफ इलाकों में फिल्टर प्लांट लगवाना शुरू कर दिए हैं। ये जदीद किस्म के फिल्टर प्लांट्स जो कि ऑटोमेटिक हैं, ये सोलर सिस्टम पर चलते हैं। 24 घंटे मकीनों को हजारों गैलन पानी, वो भी साफ पानी मिलना महमूद आलम जामोट की काविश का नतीजा है। PS 87 का दूसरा मसला तालीमी निज़ाम की बेहतरी का था। महमूद आलम जामोट ने हलफ उठाने के बाद किसी वजारत के चक्कर में पड़ने के बजाय पहले ही दिन मुतलका हुकाम को बुलाया और पूरे हलके के तालीमी इदारों की टूटी फूटी बिल्डिंग्स का विजिट करवाया। साहली पट्टी का तीसरा मसला हेल्थ का है। महमूद आलम जामोट ने हस्पताल को बेहतर बनाने और नई बिल्डिंग्स बनवाने के लिए काविशें तेज कर दी हैं। इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट और दीगर इलाकों में कायम सेंटर्स में अब सहूलियात मिलना मुश्किल नहीं है। साहली पट्टी का सबसे बड़ा और अहम मसला माहीगीरों का है, क्योंकि आज तक माहीगीरों को हुकूक तो दूर की बात, उन्हें मजदूर भी तसव्वुर नहीं किया जाता। महमूद आलम जामोट ने वादा किया है कि अब असेंबली के फ्लोर पर माहीगीरों का मुकदमा लड़ेंगे। अगर जमीनी हकायक पर बात करें तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो ऐसे एमपीएस हैं जिनका काम और काविशें नजर आती हैं। इनमें एक है अली हसन जरदारी और दूसरे हैं महमूद आलम जामोट। ये दोनों एमपीएस बातें नहीं, काम करते हैं। आप इन दोनों की ऑफिस चले जाएं, ये दोनों मर्द मुजाहिद आपको मसरूफ नजर आएंगे। महमूद आलम जामोट की खास बात यह है कि वो किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच जाते हैं, न मीडिया कवरेज न पब्लिसिटी। इमरजेंसी में पैदल या मोटरसाइकिल पर भी लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये हैं जामोट फैमिली के मर्द मुजाहिद महमूद आलम जामोट। दुआ है कि लोगों की इसी तरह खिदमत जारी रहे, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदगान अवाम के ताबे होते हैं।